स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। जैसे हमारे बच्चे हमारा अंश हैं, तो क्या परमात्मा ने सेक्सुअल सृष्टि की क्या? वहां तो मेल फीमेल नहीं है, फिर वो सृष्टि कैसे की? वो अंश क्यों हुए वो सुनना। परम पुरुष जब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं नरमाए। जब परम पुरुष गुप्त थे उस समय कारण करण कोई भी न लोक था, सदलोक भी नहीं था। जैसे कमल जब संपुट हो जाते हैं तो उसका विस्तार नहीं होता है, जब सूर्य को देखते हैं सुबह खिल जाते हैं। ऐसे ही था, इच्छा कीन अंश उपजाए। आप कहेंगे परमात्मा में इच्छा ही क्या? अब सवाल उठेगा ना, इन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आदमी के अंदर वो शंका की गठान रह जाएगी। वो शिष्य चाहे नहीं पूछे, लेकिन उसकी वो गठान अंदर तब तक बनी रहेगी जब तक वो पूरा क्लियरेंस नहीं मिलेगा। हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं असात्विक हैं, माया भी हैं, उसमें सात्विक भाव उत्पन्न हुआ, उसमें ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि ब्रेन नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है। इसलिए यहाँ आपको समझाने के लिए इच्छा का एक अलंकरण देना पड़ा, वरन वो इच्छा नहीं, बस उनकी वो चाहे। अब चाह भी इच्छा को कहते हैं। प्रथम पुरुष शब्द पर प्रकाशा दीप लोक रशकीन निवासा, पहले शब्द से परम पुरुष ने सतलोक बना दिया। हाँ, ये कैसे? एक अद्भुत, जैसे हम घर बनाते हैं, वो शब्द ऐसा वाणी नहीं था, उससे सतलोक बना, वो उसमें समा गए। अद्भुत प्रकाश था, वो कलरहीन था, लेकिन यहां उसको संज्ञा क्या दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, कि क्योंकि आप हम सब स्थूल प्रकाश को जानते हैं, सूर्य का, अग्नि का, तारकों का, चंद्रमा का, हम सब यही जानते हैं, लेकिन इसको अद्भुत कहा। क्यों कहा? वो अद्भुत था, उसमें परम पुरुष समाया खुद, वो पूरा अपने को क्या किया, जो वो शब्द निकाला वो परम पुरुष का शब्द जो था उसमें वो खुद ही समा गए। कैसे समा गए? अगर आपकी माता कमरे में बैठकर शब्द में आपका स्वरूप है, वहाँ कुछ बात करे तो आप जान जाते ना ये भी माँ है मेरी, क्यों? शब्द में स्वरूप था ना। अगर बहन बोल रही है तो कहते बहन जी बोल रही है ना, शब्द में आपका स्वरूप है, आपकी पूरी इंडिविजुअलिटी शब्द के अंदर है। अब परम पुरुष व्यक्त हुआ, अव्यक्त था पहले, जैसे दाने के अंदर वृक्ष अव्यक्त था, पर वो मिट्टी का संपर्क पाकर, नमी का संपर्क पाकर प्रफुटित हुआ, इस तरह परम पुरुष ने कहा। इसलिए बीजेश्वरवाद यही बात कह रहे हैं, एक बीजेश्वरवादी भी पंथ है, वो कहते हैं बीज ईश्वर है, पूरा ब्रह्मांड बीज से ही है। मैंने उनके विचार भी जाने हैं, मैं फिर पूछता हूं उनसे बीज कहां से आया, वहीं अटक जाते हैं फिर। वो ये मानते हैं इंसान इंसान ही होगा हमेशा, गधा गधा ही होगा। हम क्लियर करेंगे बात। तो इस तरह तब उन्होंने क्या किया, भाव किया, यही जैसे हम प्रकाश को उठाकर पानी की अनंत बूंदों को फेंक देते हैं ऊपर, तो वो क्या हो जाती है, अनंत बूंदें बन जाती है, नहीं? वैसे ही प्रभु ने किया, अनंत बूंदें हुई, अनंत। पर बूंदें जब उसमें समाई तो उनका ये था भाव, इनका वजूद रह जाए। बूंदें वापस जब उस प्रकाश में रही आई
बस वो उनका पावर था, उनका अपना वजूद रह गया। ठीक ये वैसे ही रहा जैसे समुद्र में हम एक मुट्ठी पानी भरकर उछालते हैं तो कई बूंदें नहीं बन जाती हैं, लेकिन गिरने के बाद वो पुनः समुद्र का रूप हो जाती है। वहाँ परम पुरुष ने ऐसा नहीं चाहा, उन्होंने चाहा ये अनंत बूंदों जितनी बूंदें इनका अस्तित्व रहे, वो रहा, वो सब बूंदें उसी आनंद में विचरण करने लगी। वो आनंद क्या था? सत्पुरुष था, खुद सतलोक सत्पुरुष कहा है। पुरुष शोभा आगम अपारा, मुख अनंत नहीं पावे पारा। अनंत मुखों से भी अगर बोले पार नहीं पा सकते। चिकुर रोम को कहते हैं, शोभा कहूं बुझाई, कोटिन रवि शशि रोम लजाई। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा अगर हो जाए तो किंचन उनके रोम के बरोबर भी नहीं हो पाए। सोचो कैसा प्रकाश होगा। पुरुष अंका वर्णो भाई रचना कोट तास ही जाना, करोड़ों रत्ना रचना है उसमें चली आ गए। आप इस बात को पकड़ लेना। श्वेत आकार पुरुष को अंगा, अभी यहाँ एक श्वेत आकार बोल दिया, आकार नहीं है, लेकिन जब वहाँ वो ये सृजन हुआ तो सत्यलोक क्यों कहा, वो सत्यलोक स्वयं सत्पुरुष है, पर वो प्रकाश को एक संज्ञा दे रहे हैं। कैसी? श्वेत, सफ़ेद। इसलिए संतत्व की धारा में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जो ये गेरुआ वस्त्र है निरंजन का वर्ण है, ठीक है। इसलिए हजरत मोहम्मद साहब को साहेब सतलोक ले गए, मुसलमान सफ़ेद कपड़ा पहनते, ठीक है। नानक देव जी को साहेब सतलोक ले गए, इसलिए सिख गुरुद्वारे में सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। उनसे पूछो तो वो इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कबीर पंथी में जितने भी हैं वो श्वेत वस्त्रधारी है, वो उनकी द्योतक है। और जब ये भी कलर आएगा उसका ध्यान आ जाएगा। फटकर वर्ण देही को संगरंगा, फिटकरी की तरह है ना। अभी क्या करें, सत स्वरूप हैं पुरुष हैं भाई, वर्णों कहाँ वर्ण न जाई, जहाँ लग जीव बुंद है भाई, ये समस्त जीव उसका एक बिंदु है। ये जीव आत्मा वहाँ अनंत ऐसी आत्माएं हैं, हंस हैं, उनको हंस कहा है। वहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न चिंता है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, न जन्म है, न मरण है। अद्भुत देश हमारा। एक बात सुनो, राजा जनक ने फिर सुखदेव को दीक्षा दी, आत्मज्ञान दिया। सुखदेव ने कहा यह तो मैं जानता था। क्या बोला? बोला तू जानता होगा, कंफर्म नहीं था, मैंने इस पर मोहर लगाकर कंफर्म कर दिया है। अब आओ इसका अभिप्राय समझाऊंगा। इसमें जो भी बैठा है आत्मा को जानता है, लेकिन डाउट है। राजा दशरथ जनक ने कहा हे जनक, हे सुखदेव, तू जानता था लेकिन तू कंफर्म नहीं था, मैंने पुष्टि कर दी। अब उसको आत्मज्ञान कैसे दिया था वो सुने। कहा हे सुखदेव, तुम मुझसे दीक्षा लेने आए हो? बोला हाँ। तो दीक्षा लेने के लिए एक शर्त है मेरी, तन मन धन मुझे दो। बोला दिया। बोला अब तुम ये नहीं सोचना, ऐसे ही उनको अष्टावक्र ने भी जनक को आत्मा का ज्ञान दिया था। काहे जनक, तन मन धन दिया। बोला हाँ। इसी सिद्धांत से उन्होंने सुखदेव को ज्ञान दिया, ठीक है। बोला जनक अब तुम मत सोचना कि मैं राजा हूँ, मेरा महल है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, यह तू मुझे दे चुका है। बोला हाँ ठीक है। बोला हे जनक, तू ये भी नहीं सोच मैं शरीर हूँ, तू तन मुझे दे चुका है। बोला ठीक है। बोला खबरदार, जो तुमने सोचा, कुछ याद किया, कुछ इच्छा की, कुछ संकल्प किया, क्योंकि मन के चार अंग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, न तो कुछ इच्छा करना, न तो कुछ सोचना, न तो कुछ याद करना, न तो क्रिया करना। ये मन मेरा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसका यूज़ नहीं कर। अब आँख बंद कर, देख क्या है। उसने कहा आत्मा का ज्ञान हो गया।
जनक को अष्टावक्र ने आत्मा ऐसे नहीं दिखाई निकाल कर, देख जनक ये आत्मा, ये आत्मा अगर यूं दिखाई होती तो एक तो हुआ भाई अष्टावक्र, एक हुआ जनक, एक हुई आत्मा। आत्मा तो स्वानुभूति है, अपने अंदर अनुभव करने वाली चीज है, वो कोई ऐसे नहीं दिखा सकता है। बोला देख, तो ऐसे कहा, ये तो मैं जानता था। बोला तू जानता था, कन्फर्म नहीं था। सुखदेव को बोला, आज मैंने इस पर मोहर लगा दी, संकल्प विकल्प के बाद। इसलिए आदमी आत्मा तक जाने के लिए भी ये सब चिंतन रोकता है, ठीक है। और सुखदेव अच्छा पात्र था, उसने ये कर लिया। जब वो गुरु धारण करके आया तो उनसे पूछा गया, सुखदेव तुम्हारे गुरु कैसे थे? बोला अनुपम। बोला सूर्य की तरह? बोला हाँ, प्रकाश सूर्य से भी तीव्र था, लेकिन सूर्य में ऊष्मा है, उनमें ऊष्मा नहीं है। बोला चांद की तरह? बोला हाँ, चांद की तरह शीतल तो प्रकाश है, लेकिन चांद में कलंक है, वो निष्कलंक है। बोला फिर कैसे हैं? बस वो जैसे वो ही हैं, उनकी कोई उपमा नहीं दे सकता। एक दिन मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बोला, गुरुजी पहले जब आप सत्संग करते थे इतना बारीक होता था, हमें यूँ लगता था कि हम सच में सतलोक में घूम रहे हैं। उन्होंने मुझे ये कहा। मैं कहा, भाई रतन सिंह जी एक बात बताओ, आदमी किसी भी कार्य को करते करते परफेक्ट हो जाता है या बेवकूफ़ हो जाता है? कार्य को करते करते उसको नॉलेज बढ़ता है, परफेक्ट होता जाएगा, या उसमें इनिफिशेंसी आएगी? बुलाना, मैं बोला उस समय आप चंद लोग थे, मैं एक सिलसिले से आपको सत्संग देता जाता था, सभी को मैं एक क्रमबद्धता से सत्संग दे रहा था, इसलिए आप लोग कन्फर्म और पूरा कंसंट्रेट करता था। बोला सच में लगता था जैसे सतलोक में हम घूम रहे हैं। मैं बोला अभी ऐसा है, कोई आज नया आया, कहीं कोई आया, कहीं दो मैंने हुआ सत्संग सुने, कुछ पूरा सुना है, कुछ नहीं सुना है। मेरी क्लास तो हुआ है जिसमें कायदे से लेकर पीएचडी तक के लोग बैठे हैं, इसमें वो लोग भी बैठे हैं जो बहुत लंबे टाइम से नाम लिए हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो अभी अभी नाम लिए हैं, इसमें वो लोग भी बैठे हैं अभी नाम लेने वाले हैं। इन तीनों को मैंने इसमें रखना है, नहीं तो ये तो उठ के चले जाएंगे। इसलिए अभी जो मेरा ये क्लास है ये मिसलियंस क्लास है, ठीक है। इसलिए मैं चाहकर भी इतनी बारीकी में नहीं उतर रहा हूँ, जब बहुत बारीकी में उतरेंगे, सुनो अपनी बात बता। गुरुदेव के कमरे में वो किसी को भी नहीं रहने देते थे, मुझको रहने देते थे, मैं और गुरुदेव रहते थे। तो उनका मेरा प्रवचन रात के 11-11 बजे तक होता था। अगर कोई और आ जाए रुकने तो कहते थे जाओ अब तुम सो जाओ। मैंने एक दिन पूछा, गुरुदेव बाकी को क्यों यहाँ नहीं? बोला मधु ऐसा है, जब हमारे दिल में ये भरोसा हो कि ये इंसान मुझ पर पूरा भरोसा करेगा तो हमारे बोलने की शैली बड़ी सहज हो जाती है, लेकिन जब हमें ये लगता है ये भरोसा ही नहीं करेगा तो हमें एक ब्रेकर लगता है, तू पूरी समझता जाएगा, तुझे पूरा विश्वास है, इसलिए तेरे आगे मुझे बहुत बारीक बात बोलने में झिझक नहीं हो रही है। अभी आप भी जब किसी को समझाते होंगे ना, तो अगर आपको लग रहा है ये भरोसा नहीं कर रहा तो आपको ब्रेक लग जाता होगा, या आप ये सोच रहे हैं कि इसकी इतनी क्षमता नहीं है, तब भी आप नहीं कह पाएंगे। तो आत्मज्ञान की जो बात की उन्होंने, सुखदेव को जो आत्मज्ञान दिया बताया, इन सब चीज़ों के हटने के बाद जो बैलेंस बचता है वो आत्मा है, वो आत्मा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को समेट देने के बाद जब तुम्हारी एक्टिविटी नहीं हो रही, जो बैलेंस है वो आत्मा है। वो पुष्टि किया, इस तरह ये ग्रंथ पुष्टि करते हैं आपकी उपलब्धियों की, उस देश के वर्णन की, उसकी स्थिति की, सबकी ये पुष्टि करती है वाणियाँ। इसलिए मैं संत समाज को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरे ज्ञान वर्जन में साहब का हाथ और गुरु का हाथ, उसके साथ साथ उन्हीं बातों को पुष्टिकरण शास्त्रों ने भी किया, ग्रंथों ने भी किया। तो वो परम पुरुष अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अब साहब कह रहे हैं, जहां लग जीव बुंद है भाई, ताकर भेद कहूं समझाई, जीव अनंत बुंद समझानो, अमी सिंध पुरुष पहचानो। इसलिए सतलोक स्वयं सतपुरुष है, और ये पूरा ब्रह्मांड निरंजन, ये स्वयं पूरा ब्रह्मांड है, इससे विशाल ब्रह्मांड महाशून्य का है, जहां कूर्म जी हैं। इसलिए कहते हैं धरती कूर्म पर है, कहते हैं ना,
इसका मतलब नहीं है कूर्म पर यहाँ रखी है, इस पृथ्वी का बेस ही कूर्म है, क्योंकि कूर्म के अंदर से ही आकाश तत्व निकला था, उसी से फिर वायु बनी, वायु से फिर अग्नि बनी, अग्नि से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से जल बना, जल से पृथ्वी बनी, इसलिए धरती कूर्म पर है। लोगों ने क्या किया, कछुआ नीचे रख करके और पृथ्वी यूं दिखा दी। लोगों ने बाद का बनाया है बतंगड़। आइए तो आगे साहब क्या कह रहे हैं, पुष्टि हुई ना उस बात की, कह रहे हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। मैंने एक बात कही थी, आत्मज्ञान के बाद भी आदमी आत्म तत्व क्या है वो तो देख लेता है, कैसे बना ये नहीं जान पाता है। देखो कितना कंट्राडिक्शन आ जाएगी बाद में। ईश्वर को जानने के बाद भी परमात्मा को जान जाता है, लेकिन ठीक वैसे ही वो जानता है। जैसे आप शरीर को देखते हैं, शरीर की संरचना पूरी बनावट को आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरह नहीं जान पाता है आदमी, पर उसे एक जानने के बाद उसे ज्ञान हुआ कि मेरा स्रोत यही है। इसलिए नानक देव जी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी गति भाती तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मेरा यहाँ शीर्षक है भ्रंगमता, भ्रंग कैसे उसकी जीन बदलता है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। पुरुष गला धर बैठे जयमा प्रगति अग्रवासना तहमा। वाह, जो उसका ओरिजिन था परम पुरुष का, इतना सब करने के बाद भी उसका एक अपना ओरिजिन, अपना एक प्लेस है। अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम सब कहाँ बैठे हैं, सौर मंडल, एक मंडल अधिकारी है, एक भाई निचले तबके से चलते हैं। पता है अधिकारी कहाँ से शुरू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो विभाग है रेवेन्यू है, शुरू होता है पटवारी से, चौकीदार से, शासन तंत्र, फिर पटवारी, गिरदौर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी, फिर डीसी, उसके बाद कमिश्नर है ना, कमिश्नर 6-7 कमिश्नरी 6-7 डिस्ट्रिक्ट की होती है ना। इसी तरह निरंजन इस ब्रह्मांड का उसमें ओतप्रोत है, ये ब्रह्म निरंजन की काया है। आपकी धरती जो है ना उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण रुकी है, ठीक है। हम सब सूर्य में हैं, हम सब कहाँ हैं, सूर्य में नहीं है। इसलिए चाहे आप इस पृथ्वी पर तापमान -50 हैं तो भी तापमान हैं। ये 50 माइनस क्यों बोला गया, ये धरती घूम रही है, इसको कौन अटकाए हुए है, सूर्य। यानी इस सौर मंडल के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब सूर्य का उस पर अधिपत्य है, उसकी ऊर्जा से है। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड जो है निरंजन के अधिपत्य पर है, उसका वो स्वामी है, ये इसे मिला है। लेकिन ये पूरा अनंत ब्रह्मांड उसके अधीन है। इसलिए नानक देव जी कह रहे हैं कोटि ब्रह्मांडा तू मालिक। हम सूर्य के बीच में रह रहे हैं भैया, रह रहे ना हम सौर मंडल में, लेकिन सूर्य अपने केंद्र पर तो ज्यादा पावरफुल है ना। इस तरह सतलोक में वो पूरा सतपुरुष का ही है, सौर मंडल में सूर्य की ऊर्जा है, मंगल पर भी उसकी ऊर्जा है, जितने भी ग्रह हैं ऊर्जा है, सियाचिन पर भी है। तभी तो टेम्परेचर माइनस इतना बोला, टेम्परेचर है लेकिन बर्फ ने उसको थोड़ा दबा कर रखा है, टेम्परेचर है। लाइट एंड टेम्परेचर इज एवरीवेयर, घोर अंधकार में भी आपको लाइट है। हमने इंफ्रारेड सिस्टमों का मैंने यूज किया है, उसमें इंस्ट्रक्शन है आप लाइट की तरफ नहीं देखना, आप ब्लाइंड हो जाएंगे, क्यों वो 10,00,000 गुना ज्यादा बढ़ाता है। जुगनू भी अगर कोई आपको उसके सामने आ गया ना तो आपको ऐसा लगेगा, उसमें इंस्ट्रक्शन है कि डोंट सी इन साइट ऑफ द लाइट, किसी भी ऐसे प्रकाश की तरफ नहीं देखना, इससे आप ब्लाइंड हो जाएंगे।